हाय फ्रेंड्स, नवे रसोई में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए मैं स्पेशल लेके आई हूँ, जो माता रानी के प्रसाद के लिए रूप में आप काले चने बनाना चाहो तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ काले चने माता जी के प्रसाद के लिए। आज रामनवमी है और माता जी की दुर्गाष्टमी के लिए बनाइए माता जी के लिए प्रसाद चने का। चलो बनाना शुरू करते हैं। काले चने माता जी को बहुत पसंद आते हैं। बनाने के लिए मैं चने भिगो के रखी थी। मैं एक कटोरी चने ली थी। अब मैं गैस पे पैन चढ़ा देती हूँ चने को बॉईल करने के लिए। माताजी की प्रसादी के अंदर काले चने बनाए तो बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी बनते हैं और माताजी बहुत खुश होती है। अब मैं काले चने बॉईल करूँगी तो एक तेज पत्ता रख दी हूँ। अब मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। एक कटोरी ली थी मैं चने की, तो मैं दो कटोरी पानी डाल रही हूँ और एक चम्मच घी डाल रही हूँ। चने एक दूसरे को चिपके ना, अब मैं ढक के और फिर बॉईल होने देती हूँ चने को। चेक करके देखती हूँ मैं चने बॉईल हुए एक नहीं, तो देखिए आपको मैं एक चना तोड़ के दिखाती हूँ। चने बॉईल हो गए अच्छी तरह से। चने अच्छी तरह से बॉईल हो गए। अब मैं एक मिक्सी का जार ले लेती हूँ, मसाला बना लेती हूँ। दो में अदरक की टुकड़ियाँ डाली हूँ, एक हरी मिर्च डाली हूँ। इसके अंदर लहसुन प्याज नहीं डालेंगे माता जी की प्रसादी के अंदर। अब मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर डेढ़ चम्मच ले रही हूँ मैं। अब इसके अंदर नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार। हल्दी पाउडर डाल देती हूँ आधी चम्मच। मैं इसके अंदर डालूंगी पिसा हुआ धनिया तीन चम्मच। तीन चम्मच मैं इसलिए डाल रही हूँ कि चने के चारों तरफ कोटिंग हो जाएगी इसकी, चारों तरफ मसाला चिपक जाएगा। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अमचूर पाउडर दो चम्मच। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अमचूर पाउडर से। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ कस्तूरी मेथी। आप पिसी हुई भी डाल सकते हो, साबुत भी डाल सकते हो। मैं डाल देती हूँ 5-7 काली मिर्च और मैं डाल देती हूँ इसके अंदर चार डाल देती हूँ इलायची, छोटी इलायची। और मैं हरे धनिये की पत्तियाँ डाल देती हूँ। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ मैं। अब मिक्सी के जार को बंद करके और पीस लूंगी मसाले को। देखिए मसाला पीस के तैयार हो गया। अब इसके अंदर एक ट्रिक फॉलो करनी है आपको, जो मैं चने बॉईल की थी वो थोड़ी से चने डालने हैं इसके अंदर और इसे भी अच्छी तरह से पीस लेना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत टेस्टी बन के तैयार हो गया। तो देखिए पीस के तैयार हो गए। अब मैं गैस पर कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। कढ़ाई के अंदर दो चम्मच घी की डाल देती हूँ, माता जी के लिए बना रहे हैं तो घी में ही बनाएंगे। एक चम्मच डाल दी हूँ मैं इसके अंदर जीरा। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ी सी हींग, चुटकी भर हींग डाल दी हूँ मैं। अभी इसे अच्छी तरह से पका लूंगी। अब मसाला अच्छी तरह से पक गया, अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जो मैं मसाला का पेस्ट बनाई थी वो डाल दूंगी। अब मसाले के अंदर आपको ठंडा पानी नहीं डालना है। इसके अंदर मैं चने का पानी ली हूँ, जो चने को मैं बॉईल की थी उसका पानी ली हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मैं चारों तरफ से उतार के और इसको साफ करके और इसके अंदर डाल दूंगी मिक्सी के जार को। तो लीजिए मैं इसके अंदर डाल दी हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और मसाले को पका लूंगी। मसाले को इतनी देर पकाना है कि ये ऑयल छोड़ने लग जाए। बहुत टेस्टी चना मसाला बनके तैयार होता है माताजी की प्रसादी के लिए। हलवा और चना बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है और माताजी खा के बहुत खुश होती है। मसाला पक के तैयार हो गया अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर चने बॉईल करके रखी थी वो मैं डाल दूंगी। मैं चने डाल दी हूँ इसके अंदर। अब चने को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। बहुत टेस्टी व लाजवाब चने बनके तैयार होते हैं, एकदम टेस्टी। अब मैं ढक के पकने देती हूँ। अब थोड़ी देर के बाद में मैं चेक करके देखती हूँ चना बनके तैयार हुआ नहीं हुआ काले चने। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया कटा हुआ डाल दूंगी। काले चने बहुत अच्छे बनके तैयार होते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो देखिए कितने प्यारे और कितने अच्छे काले चने बनके तैयार हुए हैं, देख लीजिए आप।
एकदम ग्रेवी वाले काले चने बनके तैयार हुए हैं माता जी के प्रसादी के लिए। अब माता जी की प्रसादी के अंदर लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना आपको, मैं नहीं कर रही हूँ इसके अंदर लहसुन प्याज का उपयोग। अब मैं काले चने बनके तैयार हो गए, इसके ऊपर हरे धनिया की पत्तियां डाल देती हूँ। अब मैं एक बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ। बाउल के अंदर डाल के और फिर रख दूंगी। अब मैं सभी को एक बाउल के अंदर निकाल ली हूँ। देखिए कितने प्यारे और कितने टेस्टी काले चने बनके तैयार हुए हैं प्रसादी के लिए। अब मैं